हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 8 तारीख और नवरात्रि कल से लगने वाली है। तो देखिए, पूरा एकदम क्लीनिंग का काम चल रहा है बड़े ज़ोर शोर से। फ्रेंड्स, इधर भी देखिए पूरा अभी फैला हुआ है, बच्चे स्कूल गए हैं दोनों। और आप लोगों को अवगत कराती हूँ कितना फैला हुआ है। अभी फ्रिज भी साफ़ करना है मुझे, क्योंकि 9 दिन का रहता तो मुझे मतलब इसमें कुछ रखना भी होता है फ्रिज में। वैसे तो बच्चे अंडे वंडे भी रख देते हैं, बट अभी तो क्लीन करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर भी पूरा फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ चौकी लगाती हूँ तो मुझे यहाँ खाली करना पड़ेगा। ये ड्रम मैं यहाँ रख दी हूँ देखिए, और इसको मुझे यहाँ पहुँचाना है दरवाजे के पीछे, क्योंकि जगह ही नहीं बन रही है। तो बस यही सब चल रहा है। और इधर मैंने ये बर्तन उतार के सारे रैक से दिखाती हूँ। बैग मैंने उतार के मतलब यहाँ रख दिया है फ्रेंड्स देखिए। और इधर मैंने ये रैक साफ कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया है, तब सर्फ साबुन से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। और इसको भी छोटा वाला भी कर दिया है, इसको भी मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया। इधर भी सारा मतलब मैंने जितना मेरे से हो सका है। और बर्तन का देखिए ढेर लगा है, नीचे भी पूरा क्लीन हो रखा है बर्तन वर्तन वाला एरिया। तो फ्रेंड्स, बस यही सब चल रहा है, क्लीनिंग का ही काम चल रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई देखिए फ्रेंड्स, चल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई फ्रेंड्स इधर भी, सीखी 3-4 दिन से कि पूछो मत। तो बच्चे जस्ट गए हैं, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ देखिए, बस पूरा फैला पड़ा हुआ है। सबसे पहले बर्तन क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या कहाँ तक पहुँच पाते, क्योंकि बच्चों को भी लेने जाना होता होगा, होता है तो 11 बज गए हैं। तो मतलब इधर मुझे क्लीन करके हर हालत में 12 बजे तक नहा लेना, क्योंकि बच्चों के लिए भी खाना पीना बनाना भी, क्योंकि मॉर्निंग में पराठे ही बना, आलू पराठे बना के दिए थे। और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद कहाँ तक लेके जाता है। और बने रही है वीडियो में, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे कैसे क्लीनिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि भी देखिए आप लोग, क्लीनिंग का काम हो गया। इधर मसाला का डब्बा साफ करके, इधर भी सारा क्लीन हो गया देखिए, पूरा बर्तन वर्तन रेक वेक मैंने लगा दिया फ्रेंड्स। और इधर मैंने बनाया देखिए, दिखाते हो आप लोग, इधर मैंने बनाया आलू टमाटर की सब्जी ठीक। और मैंने चढ़ा रखा है चावल, ये आलू के परांठे बनाए हूँ, अपने लिए भी बनाई हूँ। और इधर पे इधर का पूरा क्लीनिंग का काम, ये मैंने अपने लिए अभी बन निकाला खाने के लिए फ्रेंड्स, बहुत थक गई। और इधर भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। यहाँ मंदिर रखना है, आपको पता है चौकी रखी जाती है, ये लैपटॉप है बच्चे का। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था, ड्रम मैंने यहाँ रखा, इसको मैं अभी अच्छा से नहीं कर पाई हूँ क्योंकि समय नहीं है। देखिए 1 बज गया, बच्चों को लेने जाना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे अभी ना बच्चों को लेने जाना होगा, तो इसलिए मैं जितना मेरे से हो सका है उतना नहीं कर,
एकदम थक चुके हो फ्रेंड्स। अभी मुझे फ्रिज साफ करना है, मंदिर साफ करना है। इतना भयंकर थक गई हूँ कि इतना साफ करने में अंदर पूरा बेड का सामान निकाल के उसको क्लीन किया, जो बाहर गट्ठर वाले कपड़े थे वो अंदर डाले। हालांकि डैमेज कपड़े थे, बट अभी मैं उसको क्या करूँ, किसको दूँ, तो मैंने सोचा अभी मैं वैसे ही रख देती हूँ, फिर इधर से फ्री हो जाऊँगी, शादी वादी से फ्री हो जाऊँगी, तो फिर मैं किसी को देखूँगी, जिसको नहीं होगा अवेलेबल जिसके पास उसको दूँगी। और क्या बताऊँ आप लोगों से, फ्रेंड्स भूख भी लगी है, खा लेते हैं फिर आपको देखिए, आइए खा लीजिए आप। पराठा दो से पराठे से किए हूँ, एक ले हूँ एक रख ले, क्योंकि लेट हो जाऊंगी बच्चों को लेने जाना, बहुत थक गए हूँ, ऐसा लग रहा बस लेट जाऊं, लेकिन लेटने का टाइम नहीं। साबुत मसाले लेके रखे हूँ, अभी उसको पीसना है, काम बहुत है समय कम। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा व्यूज़ बहुत नीचे गया हुआ है, तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि हमारे तरफ से। तो फ्रेंड्स कल मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना थक चुकी थी सब काम करके, तो आज देखिए नहाना धोना पूजा पाठ, टाइमिंग भी देख लीजिए 11:30 बज रहा। और इस बार मैंने, अभी आप लोग देख लीजिए फिर मैं वजह बताऊंगी क्यों मैंने ऐसे रखा हुआ, बैक कैमरे से दिखाते हो आप लोगों को। देखिए मैंने कलश रखा हुआ है ऐसे नीचे रखा हुआ, माता की मूर्ति नीचे नहीं रखे हूँ क्योंकि ये पूरा श्रृंगार है, पान का पत्ता है, यहाँ नवग्रह बने हुए हैं, दिखाते हो, ये नवग्रह बने हुए हैं, और सारा मतलब सारा सब कुछ करी हूँ। इस बार जौ नहीं बोई हूँ फ्रेंड्स, इसका रीजन अभी हम आप लोगों से बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका रीजन मैं बताती हूँ, इस बार मैंने ऐसे क्यों रखा हुआ जौ नहीं बोया फ्रेंड्स। मैंने बताया मेरे यहाँ शादी है, जिस दिन हम लोग नौमी हम लोगों को करनी है उसी दिन हमें निकलना है, ट्रेन हमारी है शादी में जाने के लिए, गाँव जाना होगा, भतीजे की शादी है, बैठ के बातें करती हूँ आपसे। भतीजे की शादी है फ्रेंड्स, तो हमें गांव जाना होगा, यहाँ तो बोतले की भरमार पड़ी हुई, देखिए पानी पी पी के ऐसे रखता है, तो उसी दिन निकलना है फ्रेंड्स। और जैसे ही वो वाला कलश जो हम मिट्टी वाला रखते हैं, और अगर जौ बो देते हैं तो घर में ताला नहीं लगा सकते, अखंड जोत अगर जल रही है तो, और हमें मार्केट भी निकलना पड़ेगा। वैसे मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादातर निपटा दूँ, बट होता है ना कुछ कुछ घट ही जाता है, घर जाना है तो भाई कहते हैं ना कि गांव जाने की खुशी अलग होती है, तो इसी चक्कर में कि मार्केट का थोड़ा बहुत काम रह गया, अभी मुझे निकलना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, तो मुझे ताला लगाना पड़ेगा घर के अंदर। और जो कि अगर आपके घर में अखंड जोत जल रही है और मिट्टी का कलश रखा हुआ है तो अकेले नहीं छोड़ते हैं, तो इसी चक्कर में फ्रेंड्स इस बार मैंने ना मैंने जौ बोया ना मिट्टी के कलश में रखा, मैंने लोटे में जल करके और उस पर नारियल रख दिया है, क्योंकि मेरी पूजा भी खंडित ना हो और मेरा काम भी हो जाए। और बाकी माता रानी तो अंतर्यामी हो तो सभी कुछ जान रही हैं, फास्ट मेरा रहेगा, मतलब कि 9 दिन का नहीं रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखो आप लोगों से कोई चीज़ छिपी नहीं है, पीछे की वीडियो आप लोगों ने देखा, मुझे दवाई खानी होती है, तो फास्टिंग में अगर दवाई खा लो तो कोई मतलब नहीं है फास्ट का, तो 9 दिन का नहीं रहेगा, बट आगे पीछे वाला मैंने रखा हुआ है, और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो प्यार सपोर्ट अपना बना के रखिएगा आप लोग, प्यार के जो चौकी ऐसे रखती हूँ, बैठ के पूजा करी हूँ। अरे मैं, मुझे आप लोग अगर जानते हो तो पता ही होगा कि पूजा पाठ में मेरा वैसे भी मन बहुत लगता है,
तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ। अभी मैं देखिए, आप लोग यकीन नहीं करोगे, चाय रखी हुई हूँ, अभी मैंने पिया नहीं है। और टाइमिंग देखिए क्या हो रहा है, 12:45 में जा रहा है। देखिए तो अभी पाठ उठ करके उठी हूँ। काम तो मतलब पूजा मैं सारी करूँगी दीदी, जैसे मैं करती हूँ वैसे करूँगी, बट वही होता है ना जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद करूँगी कि हमारी प्रॉब्लम को आप लोग समझेंगी तो उस पर सपोर्ट करिएगा और प्यारा आशीर्वाद ऐसे बना के रखिएगा। और वीडियो का करती हूँ एंड, मिलते कल तो सफाई वाला सारा हुआ बट एंड नहीं कर पाए थे, तो आज शाम से दूसरी ब्लॉग जाएगी। अभी जो डाल रही हूँ उस पर सपोर्ट करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान।